टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 1.4। और चैप्टर वन सेट्स फ्रॉम ML अग्रवाल फॉर क्लास 11 फॉर IS। हियर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, पहला क्वेश्चन टू सेट्स हैं सच दैट एन ए 28 एंड बी 32, एन ए यूनियन बी 50। फाइंड एन ए इंटरसेक्शन बी। अदिति यस सर, क्या करें हम? सर एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला, हाँ हमें पता है कि एन ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है? एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। वेरी अब एन ए यूनियन बी की वैल्यू 50, एन ए की वैल्यू 28, एन बी की वैल्यू 32 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इसको इस साइड ले आओ, ये प्लस का हो जाएगा 28 प्लस 32 50, उस साइड जाके माइनस हो गया, क्या आ गया 60 माइनस 50। तो एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ गई आंसर। यस। सेकंड सम, अदिति के बाद हमारे पास है अंशिका, कश्मीरी सेब है ना? यस सर, नाम भूल जाते हैं तेरा। एक्स एंड वाई आर टू सेट्स सच दैट एक्स हैज 21 एलिमेंट, मतलब एन एक्स 21 हो गया, वाई हैज 32 एलिमेंट्स मीन्स एन वाई 32, एक्स इंटरसेक्शन वाई हैज 11 एलिमेंट, हाउ मेनी एक्स एलिमेंट इन एक्स यूनियन वाई? ना करें, ना करवाऊं मैं, टाइम वेस्ट ना करूं? नो सर, यही फॉर्मूला। यस सर, एन एक्स प्लस एन वाई माइनस दिस 32 प्लस दिस माइनस 11 33 आ जाए, सॉरी 43 आ जाए, 42 आ जाए, एक्स यूनियन वाई कितना आ जाएगा 42 हो जाएगा ना बच्चे, सबसे यही फॉर्मूला लगा के। हाँ जी सर। थर्ड सम अंशिका सेम है यस सर, पर इसमें ए माइनस बी और वो पूछ लिया, चलो एन ए 20 एन बी 18 एंड ए इंटरसेक्शन बी 5। पहला पार्ट एन ए यूनियन बी, आंशी सर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। यस, इसकी वैल्यू 20, इसकी वैल्यू 18, इसकी वैल्यू 5, 38 माइनस 5 कितना आ गया एन ए यूनियन बी, कितना आ गया हमारे पास 33। पहला पार्ट। सेकंड एन ए माइनस बी, हाँ जी किसके इक्वल होगा एन ए माइनस बी, जल्दी से बताइए। एन बी क्या एन, मैंने किससे पूछा है? बोलिए बच्चे, ए माइनस बी का मतलब? सर एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट इन बी, मतलब जो कॉमन एलिमेंट है एन ए के वो बीच में से माइनस करने पड़ेंगे ना। यस सर, ये होगा फॉर्मूला बच्चे। यस सर,
देखो एलिमेंट जो ए में एलिमेंट है वो सारे आ गए इसमें, माइनस जो कॉमन थे दोनों में वो वाले माइनस कर दिए क्योंकि वो नहीं लेने ना हमने एलिमेंट ऑफ ए विच आर नॉट इन बी, जो बी में नहीं है. यस सर. हाँ जी इफ्रा सर, तो इसमें हम ऐसे नहीं बोल सकते कि एन ए यूनियन बी माइनस एन बी. नहीं बेटा देखो यूनियन में ए बी दोनों के आ गए ठीक है फिर उससे आ फिर गए. माइनस बी कर देंगे तो. हाँ वो भी ठीक है, सही है, वो भी ठीक है, दोनों कर लो या और. चलो दिमाग यूज करना पड़ेगा बस और कुछ नहीं. पर सर उन्होंने दिया तो हमें इंटरसेक्शन दिया हुआ है ना क्वेश्चन में. फिर यूनियन तो फाइंड कर दिया है ना, हाँ जी सर, ठीक है सर. समझ गए बच्चे. 20 माइनस 5 15 आएगा. अगर मैं इसको करके दिखाऊं देखूं 33 माइनस बी के एलिमेंट 18 है तो भी तो 15 ही आ रहा है. यस सर. भूतनी कहाँ है? सर उसके पेपर चल रहे हैं. भूतनी भी पेपर देती है. एंड बी माइनस ए अंशी. सर एन बी माइनस एन ए एंड सेक्शन बी. और एन ए यूनियन बी माइनस एन ए. एन बी में कितने एलिमेंट दिए हैं हमें? 18 दिए हैं. एन ए इंटरसेक्शन बी में 5 दिए हैं, कितना आ गया? 13. 13 आ गया. इसके बाद फोर्थ सम. फोर्थ सम वरिंदा. यस. एन ए यूनियन बी 18 है, एन ए माइनस बी 5 है, एन बी माइनस ए 3 है. व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड एन ए इंटरसेक्शन बी. ये हमने फाइंड करना है, मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया. क्या करें वरिंदा, सोचो जल्दी से. सॉरी बोलो बेटा. वरिंदा आता है बेटा, बोलिए. सर ए इंटरसेक्शन बी वाला फॉर्मूला लगाओ. कैसे? देखो ए यूनियन बी का बच्चे फॉर्मूला था, याद करो कल बताया था. सर मैं बताऊं? दिस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ठीक यस है. एन ए माइनस बी प्लस एन बी माइनस ए प्लस एन, पता क्या है इसमें कौन से एलिमेंट आए? कल मैंने वेन डायग्राम से समझाया था, मैं यहां पे बना के दिखाता हूं. बी माइनस ए ये वाला पार्ट है, सिर्फ ये वाला ए माइनस बी, सॉरी बी माइनस ए ये वाला पार्ट है, ए इंटरसेक्शन बी ये बीच वाला पार्ट है. तीनों का सम पूरा क्या बन रहा है? ए यूनियन बी बन रहा है, समझे? इसकी वैल्यू 18 दी हुई है, इसकी वैल्यू 5 दी हुई है, इसकी वैल्यू 3 दी हुई है, ये हमने फाइंड करना है. 8 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा. एन ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया? 10. एन ए इंटरसेक्शन बी हो गया, बस लग गया पता. अब इसके बाद वरिंदा के बाद हमारे पास इफ्रू. इफ्रा सर. हाँ जी
सर आपकी सब वीडियो नहीं दिख रही मेरे को। मेरे को किसको किसको नहीं दिखाई दे रही? दिखाई दे रही है सबको? मनमोहित यस सर। ने अपना माइक ऑफ कर रखा है। सर हाँ सर आपकी वीडियो में को ब्लैक ब्लैक दिख रही है। तेरा ना माइक भी ऑफ है पर तेरी आवाज पता नहीं कहाँ से आ रही है। सर पता नहीं सर। रीज्वाइन कर ले। अब ओके सर। सबमिट। हाँ अभी फिफ्थ सम इफ्रा यस सर। हमें क्या दिया? देखा ए एंड बी आर टू सेट सच दैट एन ए माइनस बी गिवन है हमें 5 एंड बी माइनस ए गिवन है हमें 3 एंड ए इंटरसेक्शन बी 10। देन फाइंड द फॉलोइंग। पहला क्या फाइंड करना है? एन ए यूनियन बी फाइंड करना है। दूसरा एन ए फाइंड करना है। तीसरा एन बी फाइंड करना है। बताइए क्या करें? सर एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए माइनस बी प्लस एन बी माइनस ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये चीज बेटा अभी किया था ये फॉर्मूला। यस एन सर। ए यूनियन बी किसके इक्वल? एन ए माइनस बी। देखो इसके तो जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे सम फॉर्मूलाज लर्न होते जाएंगे। सर आवाज आ रही है मेरी अब? हाँ ओके सर। आवाज तो पहले भी आ रही थी तेरी पर तेरा माइक ऑफ था। नहीं सर माइक ऑफ पे कैसे आवाज आ सकती है? या दिखाई नहीं दे रहा था माइक? सर मेरे को वीडियो नहीं दिख रही थी। सर पता नहीं एटली वो तो ना पता क्या है। सर इधर बारिश बहुत तेज हुई है ना सर। नेरी नेरी के कारण हुआ है। नेरी नेरी के कारण यहाँ पे भी नेरी नेरी के कारण यहाँ भी यहाँ पे भी बेटा बारिश रुक रुक के आ रही है। चलो यहाँ भी बारिश हो रही है। यस सर। ये चीज पहला सम आ गया। दूसरा पार्ट एन ए और एन बी कैसे फाइंड करें बताइए। सर एन ए इज इक्वल टू एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन बी माइनस ए बेटा या ए माइनस बी किसके इक्वल किया था? एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन बी यही किया था ना। यस इसकी सर। वैल्यू हमें दी हुई है 5। यस सर। एन ए हमने फाइंड करना है माइनस। माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी 10 दिया हुआ है। यस सर। 10 उससे जाके प्लस हो जाएगा 15 इज एन ए हो यस गया। सर। सर थर्ड पार्ट ठीक। अपने आप करोगे मैं नहीं करवाऊंगा ठीक है। इफ्रा के बाद शित्व। यस सर। सिक्स सेट एन यूनिवर्सल सेट। ओके सर। देखो कितना बढ़िया साइन डालता हूं ना मैं। एन ए 28 एंड बी 30। देन व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एन ए यूनियन बी? ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी? ट्रिकी हाँ टाइप का है बड़ा ये। कोई ट्रिकी नहीं है। एन नहीं एक मिनट। ए दिया है एन बी दिया है ये यूनिवर्सल सेट है तो ए यूनियन बी। सर बताइए एक
सर 50 ग्रेटर। होगा इसलिए क्योंकि एन ए यूनियन बी ये एन यूनिवर्सल सेट से तो छोटा ही होगा। बच्चे जो हाँ ए यूनियन बी है ये सबसेट होगा, सबसेट होते हैं ना। मान लो कोई भी, मैं एक ठीक है। एग्जांपल लेके दिखाता हूँ आपको, एक एग्जांपल ले रहा हूँ सिक्स सम के लिए। मैं यूनिवर्सल सेट है जो, वो ले लिया मैंने 1 2 3 4 5 6 ओके सर। एन ए, एन ए नहीं, ए सेट ले लिया मैंने 1 2 3। बी सेट मैंने ले लिया 2 3 4, ठीक है ले लिया। अब यहां देखो ए यूनियन बी क्या आएगा, 1 2 3 4 आएगा ना। 1 2 3 4। हाँ सर 1 2 3 4। जो ए यूनियन बी का जो सेट आया है वो हाँ यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। हाँ सर एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिखाई थी ये शो करने के लिए, सबसेट इसका सबसेट है। अब जो सिक्स सम का सॉल्यूशन है वो कैसे करेंगे, सिंस एवरी सबसेट लिखना कैसे है वहां पे, इज अ सब सॉरी एवरी सेट इज अ, सेट ऑफ यूनिवर्सल हाँ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल यूनिवर्सल सेट। सेट। एवरी सेट यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है। यस तो ए सर। यूनियन बी इज आल्सो सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मीन्स इसका मीनिंग क्या हुआ, एन ए यूनियन बी जो है वो लेस देन और इक्वल टू यूनिवर्सल सेट के कार्डिनल नंबर के, या तो स्मॉलर होगा या उसके इक्वल होगा, उससे ग्रेटर तो हो नहीं सकता ना। यस सर। ओ तो हाँ एन इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू सर 50 है। लेस देन और इक्वल टू 50 ना, तो ग्रेटेस्ट यस वैल्यू सर क्या होगी। देयरफॉर 50। ऐसे लिखना है बेटा, इसमें 2830 का कोई रोल नहीं है, इसका कोई रोल हुआ। नो सर ये कोई काम की चीज नहीं थी क्वेश्चन हाँ में। सर, हाँ सर, आपने ये कैसे लिया है कि एन ए यूनियन बी इज लेस देन इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लेके दिखाया था, लिया था ना एग्जांपल इफ्रा, इसका कितने एलिमेंट हैं, सर इसमें यूनिवर्सल सेट में कितने हैं, सिक्स 6। अगर चलो मैं एग्जांपल और लेता हूं, ए यूनियन बी में क्या एलिमेंट आएंगे इफ्रा। सर 1 2 3 4 5 6 तो ए यूनियन बी ये इसका सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, प्रॉपर यस सर सबसेट सबसेट नहीं है पर सबसेट तो है ना। है, यस सर कितने एलिमेंट है इसमें, सर सिक्स इसमें कितने हैं, सर सिक्स मतलब जो भी सबसेट होता है या तो उसमें लेस एलिमेंट आते हैं या इक्वल या उसके इक्वल होते हैं, ओके तो इसीलिए ये लिखा है बेटा। सर यूनिवर्सल सेट में या तो इक्वल होंगे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट के या उससे लेस। ये वाली एग्जांपल मैंने इक्वल वाली ले ली, ये लेस वाली ले ली, समझ गए। क्वेश्चन सर नंबर 7, क्षेत्र के बाद हमारे पास स्तुति, स्तुति सर 7 सम आपको करवाना है। ओके सर एन हमें दिया है यूनिवर्सल सेट,
कार्डिनल नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट दिया है 50, एन ए गिवन है 28, एन बी गिवन, सॉरी मैंने चेंज कर दिया, गलत कर दिया, यूनिवर्सल सेट दिया है हमें कार्डिनल नंबर 48, एन ए नॉट यूनियन बी नॉट दिया हुआ है 36, एन ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है हमने, व्हाट वी कैन डू, क्या करें हम सेवन सम में, बताओ बच्चे। So, मुझे नहीं आ रहा है फॉर्मूला क्यों याद। नहीं आ रहा? कैसे So, वो तो अभी प्रैक्टिस करते करते होगा ना। होगा? So, प्रैक्टिस चलो कोई बता सकता है बच्चे, सर, क्या है क्वेश्चन? ये दिया है, ये दिया है, ये फाइन करता सर, जो ये दिया हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, सर ये यूनिवर्सल सेट नहीं होता? क्या क्या। हाँ यस सर। ये कैसे यूनिवर्सल सेट होगा। सर मतलब ए यूनियन बी है सर, ए हाँ यूनियन बी सब कुछ आ गया सर, अब उनको ना एक कॉम्प्लीमेंट मिनट लिख बच्चे, दिया। एक सेकेंड मुझे यहाँ पे ढूंढने दो कुछ, क्योंकि मुझे भी नहीं आ रहा ये, कुछ ना सर कुछ ये दिया फॉर्मूला होगा, लिखा नहीं हुआ। एक मिनट रुक जा, आएगा कहीं ना कहीं तो। फर्स्ट सर सेकेंड बच्चे, एक सेकंड रुक जाओ, डी मॉर्गन ला, एक डी मॉर्गन ला होता है बच्चे, हाँ जी आप बताओ क्या बोल रहे थे तोशी। सर आंसर यही हाँ वाला डी मॉर्गन ला। ये सर कैसे एन, आएगा? सर एन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू एन यूनिवर्सल सेट माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। फिर से बोलना। सर एन ए एन कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू एन यूनिवर्सल सेट माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, यस सर, पक्का? यस सर, मेरे को नहीं लगता। ये डी मॉर्गन ला है, यस। ए कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट आएंगे जो ए में नहीं है, मतलब यूनिवर्सल सेट है कोई भी, उसमें जो ए में एलिमेंट है वो छोड़ के, बी में जो बी में नहीं है, तो इन दोनों का यूनियन, यूनिवर्सल सेट में से जो कॉमन एलिमेंट है वही रह गए ना, इसकी वैल्यू 36 है, इसकी वैल्यू कितनी है बताइए, 48। 48 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, इसको बेटा डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं, अंडरस्टूड? सर आपने ये लॉ कहाँ से फाइंड आउट किया। एग्जाम्पल में से। ठीक है सर, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब कुछ आ जाएगा। ओके 36 माइनस 48, या सॉरी इसको इस साइड ले आओ, ए इंटरसेक्शन बी, 48 माइनस 36 वी गेट 12 इज द आंसर, समझ आ गया बच्चे? यस सर। अब इसके बाद आ जाओ एट सम पे, एट सम मुझे जिया करवाएगी, ठीक है जिया? ठीक है सर, कोई बात नहीं, सारे सम डिस्कस करेंगे,
ऐसे है जब दूसरी बुक में से करवाऊंगा ना, तब मैं नहीं बताऊंगा, तुमसे पूछूंगा सारे सब, समझ गए? हाँ जी सर, तब मत स्तुति बोल देना, धीरे धीरे आ जाएंगे नंबर भी, धीरे धीरे हो जाएंगे फिर, ये दिया है बेटा, एन बी फाइंड करना है। हाँ जी जिया, व्हाट वी कैन डू, क्या करें, यूनिवर्सल सेट का कार्डिनल नंबर दिया है, ए का कार्डिनल नंबर दिया है, ए इंटरसेक्शन बी का दिया है, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट दिया है। हाँ जी, बताओ क्यों सर पता नहीं नहीं पता, सर, फॉर्मूला ही नहीं है फिर बनाओ, सोचो, कुछ दिमाग लगाओ। सर। यूनियन का तो पता था मुझे, पर कॉम्प्लीमेंट यूनियन का नहीं पता। कॉम्प्लीमेंट यूनियन, ए यूनियन बी क्या होता है, सारे एलिमेंट्स, हाँ जी सर, पर हाँ जी, ए यूनियन बी जो ए और बी में आ रहे हैं, है ना? तो हाँ जी सर, हाँ जी सर, यूनिवर्सल सेट में से क्या होगा? सर जो यूनिवर्सल सेट में और इसमें थे यूनियन वाले में से, वो नहीं लिखेंगे यूनिवर्सल में से वेरी गुड, तो इसका मीनिंग क्या हुआ बेटा, कॉम्प्लीमेंट। ये चीज, ये वाली चीज किसके इक्वल, एन यूनिवर्स, सही बताया था तूने, यूनिवर्सल सेट माइनस माइनस एन ए यूनियन बी। यही होगा ना, कॉम्प्लीमेंट जी का सर, मतलब ये एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में नहीं होने चाहिए, तो ये माइनस कर दिया बीच में से, कर तो दिया उसके क्या, बाद यूनियन, हाँ जी सर, उसके बाद यूनियन वाला फॉर्मूला लगा देंगे यूनियन वाला फॉर्मूला सर, लगा देंगे? क्योंकि मेरे हमारे पास यूनियन, हाँ जी हाँ ही, क्योंकि को नहीं यूनियन का आता, फॉर्मूला मेरे नहीं है तेरे को तो आता ही नहीं था सर। नहीं, ये है? जो टेंशन थे सर वो तो आते थे, ये वाले का फॉर्मूला दिया नहीं होता ना। इसका आएगा सर, ए दिया हुआ है हमें, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, बेटा यही होता है ए यूनियन बी का, पहले सब में किया था, हाँ जी, हाँ जी सर, सॉरी, मैं ऊपर ए इसकी पढ़ वैल्यू रखी सिक्स है गई थी। बेटा, इसकी वैल्यू सिक्स, इसकी वैल्यू 40, माइनस ऐसी इसकी वैल्यू, इसका फॉर्मूला लगा दिया, क्योंकि ए यूनियन बी नहीं गिवन था हमें, जी सर, सिक्स ट्वेंटी इज इक्वल टू 40 माइनस एन ए गिवन है 22, टू एन प्लस बी, ए एन बी हमने एन बी फाइंड फाइंड करना है, आउट करना है, माइनस एट। बस सारी टर्म एक साइड पे ले जाके अपने आप फाइंड कर लोगे अभी, जी सर, समझ आया बच्चे? ये नाइन्थ जी टर्म, सर, जिया के बाद हमारे पास मेल्डाइन, यस सर, एन 50, एन ए 20, एन बी 26, एन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 6, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, और फाइंड हमने दो पार्ट करनी है, पहला पार्ट फाइंड करना है एन ए इंटरसेक्शन बी, और दूसरा पार्ट हमने फाइंड करना है एन ए माइनस बी। बताइए मनमोहित, व्हाट आई कैन डू? सर पहले तो ये जो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है सर, इसका मतलब ये ए इंटरसेक्शन बी हो गया? ये नहीं, डी मॉर्गन लॉ करके सर, वो कौन सा फिर था? एन यूनिवर्सल सेट माइनस ये वाला फॉर्मूला वहां पे बेटा लगा के, सिंगल से, वहां पे ना सिंगल सिंगल पे कंप्लीमेंट होता है, ओके सर, समझे?
यस सर। तो ए सर ये इंटरसेक्ट रहता है, सर तो फिर फॉर्मूला वो लगा सकते हैं सेम यही वाला चीज लगेगी ना बेटा। सर, यही तो कहा था कि एन यूनिवर्सल में से माइनस कर देंगे, डी मॉर्गन ए हो गया। यूनियन बी किसके इक्वल, यूनिवर्सल सेट में लूसीफर से एन माइनस ए ए इंटरसेक्शन बी। बी। यस अब देखो इसकी वैल्यू हमें पता है 6 है, इसकी वैल्यू हमें पता है 50 है, ये हमने फाइंड करना है, यही फाइंड करना है ना। यस सर। इसको इस साइड ले आओ, एन ए इंटरसेक्शन बी, 50 50 सिक्स उस माइनस साइड जाएगा। वेरी गुड, एन ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आ गया, सर 44। एन ए इंटरसेक्शन बी 44, 9th का फर्स्ट पार्ट। ओए ये तो गलत हो गया। सर गलत सर है। मैं भी यही कह रही थी, मेरा फॉर्मूला जो आपने मुझे बताया था ना उसमें यूनियन ही था, पीछे इंटरसेक्शन का साइन लगा दिया हमने। ओ सॉरी सर सॉरी 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 सॉरी, यहाँ यूनियन था बेटा, यूनियन था, गलत कर दिया, इंटर यूनियन था ना, इंटरसेक्शन यस पता सर। नहीं हाँ कहाँ से लग जी हाँ गया। जी फाइंड हमने ए फिर इंटरसेक्शन बी करना है, फॉर्मूला करेंगे तो सर, वो एन ए प्लस एन बी, वो 6 इज इक्वल टू फिफ्टी 50 माइनस माइनस ब्रैकेट में एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। सर अब आ जाएगा 6 इज इक्वल टू 50 माइनस, सर ये ए की वैल्यू जितनी भी है सर, 26 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। सर अब आ जाएगा 6 इज इक्वल टू 50 माइनस 20 माइनस 26, सर माइनस 46 हो जाएगा, प्लस एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी, 4, उस साइड जाके माइनस हो गया, सर टू एंड आ ए जाएगा। टू इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 2 आ गई। पहला आंसर सही है। अब ए माइनस बी फाइंड कैसे फाइंड करें, सर ए में नाउ से 20 माइनस ये कर देंगे ए इंटरसेक्शन बी। एन सेकंड पार्ट, एन ए माइनस बी किसके इक्वल था फॉर्मूला, सर एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, मतलब एलिमेंट इन ए विच आर नॉट इन बी। एन ए की वैल्यू कितनी दी है हमें, 20, सर 20 और ये हमने माइनस 2 टू फाइंड, 18। इज द आंसर 10th सम। मनमोहित के बाद हमारे पास सुरीली, यस पद्मन, तो सर। जिंदा है। अच्छा सर चलो 10th सम बच्चे, मेरे पास एक डाउट है। डाउट नहीं तो पहले ये सम करवा, डाउट मैं बाद में ओके कराऊंगा। इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स, 35 स्टूडेंट्स की क्लास में टोटल, मतलब ये क्या हो गया, 35 यूनिवर्सल सेट का कार्डिनल नंबर हो गया ना। यस सर। 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट, 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल, ये एन ए ये एन बी। ओके सर। ऑल्सो ई स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स, ठीक है, हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, बोथ, बोथ का मतलब क्या चीज फाइंड करनी है, सर ए यूनियन बी, चांटा पड़ेगा तेरे, क्यों सर। ए यूनियन बी तो ये दिया 35 टोटल स्टूडेंट्स, सर ये दोनों बोथ कॉमन कॉमन हो गए ना, हाउ मेनी यस सर, स्टूडेंट यस लाइक टू सर, प्ले बोथ क्रिकेट एंड, मतलब इंटरसेक्शन फाइंड करना है। ये यस थर्टी सर। फाइव क्या है, ए यूनियन बी, मतलब यूनिवर्सल सेट का कार्डिनल नंबर। कितना, 35, 35 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट एन ए,
16 लाइक टू प्ले फुटबॉल और n कॉमन दोनों ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है. वही फॉर्मूला क्या बताओ? हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल? कैसे n, करेंगे बताइए सर. एन ए प्लस हाँ एन बी माइनस एन ए ए इंटरसेक्शन डी. फिर सर देन 35 इज इक्वल टू 24 प्लस 16. सर हमारे टीचर तो ऐसे ही सिखाया है. हाँ कोई बात नहीं, बताओ बताओ. सर मैंने एन इन इंटर ए इंटरसेक्शन बी को मैंने एक्स ले लिया. चलो तो बता अब मैं क्या लिख. सर 35 इज इक्वल टू 35 इज इक्वल टू हाँ फिर 24 प्लस 16 हाँ माइनस एक्स. ये तो यूनियन का फॉर्मूला हो गया. तो कैसे करना है बच्चे हमने ना एक लाइन को रीड नहीं कर रहे. उन्होंने लिखा है ए स्टूडेंट लाइक टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स. मतलब जो यूनिवर्सल सेट है और ए यूनियन बी सेट है वो इक्वल है. इसका मतलब यही हुआ ना? यस सर. सर फिर से रिपीट इस कर लाइन का दीजिए मीन, पॉइंट. इस लाइन को देखो बेटा. 35 स्टूडेंट्स है टोटल, मतलब यूनिवर्सल सेट में 35 एलिमेंट्स है. यही है इसका मतलब. यस सर. आगे क्या लिखा है? 24 लाइक प्ले क्रिकेट, 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल. आल्सो ईच स्टूडेंट, ईच मतलब 30 के 35 स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एट लीस्ट वन गेम, वन ऑफ द टू गेम्स. इसका मीनिंग क्या हुआ कि मतलब जितने यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स हैं उतने ही ए यूनियन बी में है. समझ गए? यस सर. मतलब वही वाला फॉर्मूला, ये दोनों इक्वल है. एटलीस्ट वन गेम खेली खेलनी है उन्होंने. कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो आराम करे, रेस्ट करे. तो यहाँ एन ए यूनियन बी बेटा, ये फॉर्मूला है बच्चे जो हमने पहले स्टार्टिंग में किया था, वही चीज है. समझ गए? यस नाउ एन ए यूनियन बी कितना है? 35 है. एन ए की वैल्यू 24 है, एन बी की वैल्यू 16 है. माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, इसको इस साइड ले जाओ. ए इंटरसेक्शन बी 24 प्लस 16 40 हो जाएगा 35. सर वही तो मैंने भी कहा था. बताया मुझे, पर तेरे को ये नहीं था ना एक्चुअल में. ये जो ये बताया था तूने वो इसका फॉर्मूला है, यूनिवर्सल सेट का नहीं है. ठीक है ना? बट इस केस में क्वेश्चन नंबर 10 में ये दोनों इक्वल है क्योंकि कम से कम एक गेम तो प्ले करनी करनी है. कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो गेम ना ले. तो यूनिवर्सल सेट का कार्डिनल नंबर और यूनिवर्सल यूनियन का और यूनिवर्सल का, दोनों का कार्डिनल नंबर क्या होगा? इक्वल होगा. ओके ये सर. चीज समझ आई बच्चे यस कि ये सर. और ये इक्वल क्यों है? ऋषभ ऋषभ तो बोलता ही नहीं है इतनी. तो तोशी यस सर. 11 सम इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल. व्हाट इज 400? सर ए यूनियन बी यूनिवर्सल सर. इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल बोला है ना बेटा, तो यूनिवर्सल सेट का कार्डिनल नंबर हुआ ना वो. यस सर. 250 कैन स्पीक हिंदी. एनी 200 कैन स्पीक इंग्लिश. एनबी हाउ मेनी
कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश. यस सर. तो यहाँ पे बच्चे हमें एन यूनियन ए बी, ए यूनियन बी लेके चलना पड़ेगा इसको. यस सर. सर एंड डायग्राम नहीं बना सकते? नहीं. ओके सर. नहीं बना सकते. हाँ सर ये हमने यूनियन तो लिया ना क्योंकि हमें दिया नहीं हुआ था. अगर यूनिवर्सिटी बच्चे, इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ऐसा मेंशन नहीं किया कि कम से कम एक लैंग्वेज तो बोलेगा ही बोलेगा. वो तो कॉमन सेंस है कि 400 पीपल हैं, कुछ ना कुछ तो बोलेगा ही ना वो, चाहे हिंदी या इंग्लिश. जी सर. ठीक है, इसलिए ये सेम क्वेश्चन बन गया. कॉमन फाइंड करनी है हमने, ए इंटरसेक्शन बी हमने फाइंड करना है. कर लोगे? यस सेम सर. क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन बन गया. ना करूं इतना आंसर आएगा इसका, 450 आ जाएगा ना, 50 दिया इन्होंने यस सर. आंसर. हाँ तोशी, चल एक सम और करवा देता हूँ. ओके सर. 12th सम, 12th सम में उन्होंने क्या लिखा है? एन यूनिवर्सल सेट 50 दिया है. एन ए हमें 30 दिया है. एन बी हमें 28 दिया है. पहला पार्ट, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एन ए यूनियन बी, ग्रेटेस्ट वैल्यू वही होगी, 50 होगी ना, क्योंकि सबसेट होता है वैसे जैसे एवरी हमने पहले सेट इज किया अ था. सबसेट. वो पूरा प्रॉपर लिखना, मैं यहाँ पे सिर्फ आंसर लिख रहा हूं. ठीक है, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एन ए यूनियन बी इज 50. दिखा देता हूं कैसे किया था, क्या लिखा था, वो लैंग्वेज लिखनी है आपने जो पहले लिखी थी हमने. एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, तो ए यूनियन बी सबसेट ऑफ एस ए यूनिवर्सल सेट का, तो एन ए यूनियन बी क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू दिस, इसकी वैल्यू 50 है, वही सेम, सारा सेम टू सेम कॉपी कर देना है. उसके बाद सेकेंड पार्ट में बच्चे क्या पूछा है, सेकेंड पार्ट में पूछा है लीस्ट वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, लीस्ट वैल्यू. सर. ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए एक यूनियन बी. मिनट, लीस्ट वैल्यू ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी. हाँ जी बेटा बोलो क्या यस लिखूं. सर. एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी एन एन माइनस एन एन ए प्लस एन बी यहाँ पे बता प्लस मुझे, एन स्टार्टिंग बी माइनस से बता. एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू यूनियन होता है कि इंटरसेक्शन होता एन है? ए माइनस ए यूनियन भी हो जाता फिर. अच्छा ओके, चलो तू तो शॉर्टकट मार रही थी है ना. यस सर. एन ए 30 है, एन बी 28 है, इसकी वैल्यू बेटा इसको उस साइड ले जाओ, एन ए इंटरसेक्शन बी. यस सर. 58 माइनस 50 तो एन एट इंटरसेक्शन बी कितना आ गया हमारे पास, 8. 8 आ गया. दिस इज यस आंसर, ये हमारा आंसर हो गया. मतलब ए इंटरसेक्शन 8 है तो ये कम लीस्ट वैल्यू ही है, देयरफॉर द सर. लीस्ट वैल्यू ऑफ ए एन ए इंटरसेक्शन बी इज 8. 8. 12th सम की बात आ जाओ 13th सम पे. 13th सम पद्मनी, यस सर.
यहां देखो क्वेश्चन, इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 25 प्ले क्रिकेट, 20 स्टूडेंट प्ले टेनिस एंड 10 स्टूडेंट्स प्ले बोथ द गेम्स, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले नाइदर, कुछ भी नहीं खेलते जो वो। ओके सर, जो पद्मिनी जैसे हैं कुछ भी नहीं खेलते। इन ए क्लास ऑफ 62 स्टूडेंट्स यूनिवर्सल सेट 60 दिया है, 25 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट एंड ए 25, 20 स्टूडेंट्स प्ले टेनिस एंड बी 20 एंड 10 स्टूडेंट्स प्ले बोथ द गेम एंड ए इंटरसेक्शन बी, कितना 10 ये दिया हुआ है। हाउ मेनी पीपल, हाउ मेनी नंबर, सॉरी, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले नाइदर, प्ले नाइदर, कुछ भी नहीं खेलते। एन ए यूनियन बी बेटा, फॉर्मूला सर, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। इसका मतलब ये है कि कम से कम एक गेम तो, मतलब टोटल कितने प्लेयर्स खेल रहे हैं, इसका मीनिंग ये होगा 25 प्लस 20, और जो ये कॉमन थे 10. एक में से माइनस हो गए ना एक टाइप से, मैंने सिंगल, yes, देखो इस जो 10 है वो इसमें भी आ रहे हैं, इसमें भी आ रहे हैं, दोनों गेम दोनों गेम्स खेलते हैं, तो सिंगल टाइम वो माइनस कर देते हैं। ए यूनियन बी कितना आ गया, 45 माइनस 10 35 लिख दिया, तो 35 प्लेयर तो खेल रहे हैं टोटल 60 में से, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले निदर, सर 60 माइनस 35 इज 60, टोटल स्टूडेंट्स है उसमें 35 कोई ना कोई गेम प्ले करते हैं, कितने बच गए 25 बच गए, हो गया 13 सम। yes, समझ आया? यस सर। हाँ 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 सर, वो यूनियन के इक्वल क्यों नहीं हुआ, ए यूनियन बी यूनिवर्सल सेट के 60 के बराबर भी तो कर सकते थे यहाँ भी हम। क्यों कर सकते थे बेटा, यहाँ तो उन्होंने लिखा है ना, खुद लिखा हुआ है कि कितने स्टूडेंट नहीं खेलते, अगर हम ए यूनियन के इक्वल लिख देंगे 60 तो सारे के सारे प्लेयर ही खेल रहे हैं, वो तो स्टूडेंट्स खेल रहे हैं, इसका मीनिंग ये हुआ ना बेटा। हाँ जी सर। ठीक है ना? हाँ सर, आपने 35 माइनस टू किया मतलब सर वो तो सारे बच्चे यूनियन, एक सेकेंड, यूनियन का मीनिंग क्या है, सारे प्ले टोटल कर रहे हैं। मेरी बात सुन, तेरी क्लास में 60 बच्चे हैं, यस सर, 25 क्रिकेट खेलते हैं, ये फुटबॉल खेलते हैं या टेनिस खेलते हैं, और 10 स्टूडेंट्स हैं जो दोनों गेम्स खेलते हैं, यस सर, मतलब 25 स्टूडेंट में से सिर्फ 15 है जो ओनली क्रिकेट खेलते हैं, 20 में से ओनली 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ओनली टेनिस खेलते हैं, समझ गए? ओनली, ओनली का मतलब इस 25 में जो टेनिस खेलते हैं वो भी आ रहे हैं ना, इस 20 yes, में जो 10 क्रिकेट खेलते हैं वो भी आ रहे हैं, ओनली मतलब एग्जैक्टली, ओनली मतलब ओनली क्रिकेट कितने खेलते हैं 15, ओनली टेनिस कितने खेलते हैं 10, 25 स्टूडेंट्स ही हुए ना ये तो, जो 10 yes, स्टूडेंट ऐसे थे जो इस क्रिकेट भी खेल रहे थे और टेनिस भी खेल रहे थे, तो टोटल कितने हुए, टोटल क्लास में कितने बच्चे खेल रहे हैं जो गेम लेते हैं, 35 ही हुए ना बेटा, यस सर, जो कॉमन है वो सिंगल टाइम ऐड करना है ना, हमने इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों में प्ले कर रहे हैं वो, तो एक में काउंट करना है हमने उसको, यस सर, समझ गए।
सर पर और आपने एन ए यूनियन बी तो वो फिर ऑल टुगेदर आया तो फिर बच्चे ऑल टुगेदर का मतलब जो क्रिकेट और टेनिस खेलते हैं, जो नहीं, जो पढ़ाकू बच्चे हैं वो तो इसमें आए नहीं ना गेम में। सर इसका मतलब ये हुआ ना कि अगर हमें इंटरसेक्शन दिया हुआ है तब हमने यूनियन ए यूनियन बी निकालना है ना, अगर नहीं दिया होता तब हमने बता, ऐसे नहीं इंटरसेक्शन है, इक्वल कर ए देना होगा। यूनियन बी निकाला है मैंने, ठीक है निकाल दिया, अगर ना भी निकालता तो भी काम चल जाता, मैं दोनों को प्लस करके सीधा माइनस कर देता। ये रट्टा क्यों मार रही है तू जिया? सर अगर इंटरसेक्शन ना दिया होता ना तो ना ना, तो प्रैक्टिकली लेके चलो, आपकी क्लास में स्टूडेंट्स हैं सारे, सब सबने गेम ऑप्ट की हुई है, बोलिए जिया, हाँ जी सर। सबने की है, नहीं सर मुझे छोड़ के तू नहीं है ना बीच में। नहीं सर। मान लो आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 49 ही प्ले करते हैं ना, हाँ जी सर। एक स्टूडेंट ऐसा है जिसने गेम नहीं ली, तो ए यूनियन बी में 50 आएगा कि 49 आएगा? 49 फिर वही चीज तो समझा रहा हूं मैं, समझ गए? हाँ जी सर। सर, सर प्लीज आज सर बस करें, सर पेपर है। फिर बच्चे मेरा तो, मैं तो सोच रहा था चैप्टर खत्म करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज भी करेंगे आज। सर एक पेपर, सर एक ही रहेगा पेपर मेरा बस। चलो फिर यहाँ तक क्या, ही थैंक कर लो बेटा, आज छोड़ यू दो फिर। सर, सर ओके जी थैंक धन्यवाद, हो जाएगा। ओके सर बाय थैंक यू सर सर बाय। जी, बाय बेटा, गुड नाइट बाय सर। बाय बाय सर। बेटा, गुड नाइट बच्चे।